हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोको X3 और पोको X3 प्रो के बारे में। दोस्तों देखिए, पोको X3 और पोको X3 प्रो में एक प्रॉब्लम जो है आ रहा है, जिसमें कि आप लोग को पता भी है कि साउंड कैमरा और ब्लूटूथ जो है ओपन नहीं हो रहा है, मतलब साउंड बंद हो जा रहा है और फ्रंट कैमरा जो है ओपन नहीं हो रहा है। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका पोको X3 या तो पोको X3 प्रो चलते चलते बंद हो जाता है और ऑन नहीं होता है, तो आप उसको घर में कैसे ऑन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और छोटा सा चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में कहीं पे भी दे सकता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखना। अगर आपका मोबाइल के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे उस नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और एक चीज, अगर आपका कोई भी मोबाइल ऐसा कुछ खराब हो गया है जो कि प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अपना मोबाइल को मुझे कुरियर कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट मेरा दुकान में विजिट कर सकते हो और अपना मोबाइल को बना के लेके जा सकते हो। कितना पैसा खर्चा होगा, क्या होगा, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करोगे मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पोको X3 और पोको X3 प्रो, देखिए दोस्तों, जो साउंड कैमरा और ब्लूटूथ का प्रॉब्लम है वो जो है सबसे ज्यादा आ रहा है पोको X3 में। और ये जो ऑटोमेटिक वाला स्विच ऑफ, मतलब चलते चलते बंद हो जाना, या तो आपने स्विच ऑफ किया और ऑन नहीं हो रहा है, ये जो है पोको X3 प्रो में सबसे ज्यादा आ रहा है। दोस्तों पोको X3 प्रो हो या तो पोको X3 हो, इस दोनों मॉडल में कोई भी मॉडल अगर आपका ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो चुका है और ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक लगाना है। आपको क्या करना है ना, वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन को एक साथ लगभग 1 मिनट तक पकड़ के रखना है, आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको ऐसा वाला एक बार नहीं, 2-3 बार ट्राई करना है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको चार्जिंग लगा के ये तीनों बटन को प्रेस करके रखना है, एक ही साथ प्रेस करना है, और आपको 30 से 40 सेकंड हो सके तो 1 मिनट के जैसा आपको प्रेस करके रखना है, आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप छोटा सा चीज करना, आप अपना किसी भी अच्छा रिपेयरिंग शॉप में नहीं, सर्विस सेंटर में, बगल में अगर सर्विस सेंटर है आप सर्विस सेंटर में विजिट करना, क्योंकि अगर आपका वारंटी पीरियड है तो आप किसी रिपेयरिंग शॉप में लेके नहीं जाना, आप सर्विस सेंटर में जाना और अपना मोबाइल को ठीक करा के लेके आ सकते हो। लेकिन पहले जो मैंने 2 चीज बोला उसको ट्राई करना, उसके बाद अगर नहीं होता है तभी कहीं पे भी जाना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको क्या करना है क्या नहीं करना है? अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।